करने वाली मीरा साधारण सी दिखती थी, लेकिन उसके पास एक अदृश्य प्रतिभा थी। वह जानवरों से बात कर सकती थी। एक दिन जंगल से बेचैनी की फुसफुसाहटें आने लगी। मीरा ने पास जाकर सुना, पेड़ों के राजा विशाल बरगद ने बताया कि जीवनदायिनी नदी सूख रही है, उसकी रक्षक जलपरी। हेलो गाइस, इस तरीके का 2D और 3D कार्टून वीडियोस अगर आप भी बनाना चाहते हैं और YouTube पर अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और AI टूल्स की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस तरीके जो कार्टून वीडियोस हैं वो आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फेसलेस वीडियो कैटेगरी। ठीक है, अगर आप फेसलेस वीडियो चैनल बनाना चाहते हैं तो ये आपका कैटेगरी हो सकती है और यहाँ पर आपकी जो अर्निंग है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ चैनल का अर्निंग देखेंगे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, इतना ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। मैंने YouTube पर ओपन किया हुआ है, YouTube पर ओपन करके मैंने लिखा हुआ है कार्टून वीडियो। तो देख सकते हैं कि इनमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो कैटेगरी है उसमें व्यूज आते हैं या नहीं आते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 6 घंटे पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है और यहाँ पर कितना व्यूज है, 384K व्यूज आया हुआ है। यहाँ 2 महीने पहले अपलोड किया हुआ 7.1 मिलियन व्यूज आया हुआ है। 11 दिन पहले अपलोड किया हुआ 1 मिलियन व्यूज आया हुआ है। 281K व्यूज, 16 मिलियन व्यूज, यहाँ पर 15 मिलियन व्यूज, यहाँ पर 431 मिलियन व्यूज। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 साल पहले अपलोड किया हुआ 431 मिलियन व्यूज आ रहा है। ऑलमोस्ट 15,000 व्यूज हर घंटे अभी तक आ रहे हैं इसमें लगातार। ठीक है, और 12 मिलियन व्यूज है यहाँ पर, 1 मिलियन व्यूज यहाँ पर, 69 मिलियन व्यूज, 465K और 200K यहाँ पर, 8.2 मिलियन व्यूज, 822K व्यूज। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपके कोई भी कार्टून वीडियो हो, फिर चाहे आपका 2D हो या 3D हो, इनमें जो व्यूज है वो मिलियंस में व्यूज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों इस तरीके का फेसलेस YouTube चैनल बना सकते हैं और अच्छा खासा रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, आप कुछ चैनल से जैसे कि ये दिया हुआ है जंगल बीट चैनल दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने केवल 814 वीडियो अपलोड किए हुए हैं और इनको जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है वो 11.6 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लेकिन ये क्या है कि ये काफ़ी मेहनत करते हैं और लंबे वीडियो भी अपलोड करते हैं। ठीक है, और इनके वीडियोस में जो व्यूज हैं वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पॉपुलर की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 साल पहले अपलोड किया हुआ 363 मिलियन व्यूज़ आया हुआ है, 282 मिलियन व्यूज़ आया हुआ है, 273 मिलियन व्यूज़ आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से ये एक दूसरा कार्टून चैनल दिया हुआ है, यहाँ पर 667 यहाँ पर वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और यहाँ पर जो इनके जो सब्सक्राइबर हैं 8.25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने यहाँ पर वीडियो अपलोड किया हुआ 1 घंटे पहले और 1 घंटे में इनके 54K व्यूज आ चुके हैं। 6 घंटे पहले अपलोड किया हुआ 384K व्यूज आ चुके हैं। 2 दिन पहले अपलोड किया हुआ 1.6 मिलियन, मतलब कि केवल 1-2 दिन में ही मिलियन में व्यूज पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि पॉपुलर में तो देख सकते हैं कि 4 साल पहले 59 मिलियन, 52 मिलियन, 48 मिलियन, 44 मिलियन, 43 मिलियन, 41 मिलियन। सो गाइस देख सकते हैं कि व्यूज है यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं। ये तीसरी चैनल दिया हुआ 849 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और यहाँ पर 5.12 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और यहाँ पर वीडियोस की बात करें इनके, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर 586 मिलियन व्यूज है, 133 मिलियन व्यूज है, 60 मिलियन, 53 मिलियन, 53 मिलियन। सो दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी चैनल को उठा के देख लीजिएगा, आप यहाँ पर जाइएगा कार्टून वीडियो सर्च कीजिएगा, जो भी आपकी चैनल्स आते हैं किसी भी चैनल्स को उठा के देख लीजिएगा, इनमें जो व्यूज हैं वो मिलियंस में व्यूज आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनकी जो अर्निंग है हम लोग अर्निंग भी देख लेते हैं। अर्निंग देख के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं कि मैंने सोशल मीडिया को ओपन किया हुआ और यहाँ पर जंगल वीट जो आपका यूट्यूब चैनल है ये वाला, इसको मैंने ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों इनकी जो मंथली अर्निंग है वो कितनी है, यह है 313.8K, मतलब 313,000 डॉलर। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। हम मान के चलते हैं कि इसका जो अर्निंग है 150, हम लोग 313K डॉलर नहीं लेते हैं, 150K डॉलर ले लेते हैं। अगर आप 150K डॉलर को कन्वर्ट करेंगे INR में, इंडियन रुपीस में, तो ये आपका आता है 1,25,25,360 रुपए, मतलब कि 1.25 करोड़ रुपए आता है पर मंथ। अगर हम लोग यहाँ पर 1.25 करोड़ नहीं मानते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि कम से कम यहाँ पर 1.5 लाख नहीं तो 50K डॉलर तो आता ही होगा, तो तब भी इनका 50 लाख यहाँ पर रुपये हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अर्निंग होता है। दूसरा चैनल ये वाला ओपन किया हुआ था और यहाँ पर देख सकते हैं कि 342.3K डॉलर, तो यहाँ पर भी इसका होता होगा लगभग करोड़ों के लगभग हर महीने इसकी इनकम आती होगी, 50 से 80 लाख तो डेफिनेटली आती होगी। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट है आपका, ये मैंने ओपन किया हुआ है, अब ये वाला चैनल है और यहाँ पर देख सकते हैं कि 124.9K डॉलर, तो इसका जो मंथली अर्निंग है लगभग आपका 50-60K डॉलर के लगभग पहुँचता होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं 50
के मान लेता हूँ, तब भी जो इनकी इनकम है 41,75,120 रुपए है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एज पर सोशल ब्लेड, ये मैं नहीं बता रहा हूँ बल्कि ये सोशल ब्लेड बता रहा है कि इनकी जो अर्निंग है वो इतनी होती होगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका है कि इनका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनमें जो व्यूज़ है वो मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो हम लोगों ने देख लिया है कि इसके तरीके जो वीडियोस हैं उनमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और जो अर्निंग है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस तरीके के जो वीडियोस हैं आप विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो पहला तरीका आता है दोस्तों, तो दोस्तों आपका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर कार्टून वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा और ऑडियो कैसे देना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को स्क्रिप्ट लिखना होगा, तो स्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जाएंगे बहुत सारे एआई टूल्स है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप ChatGPT का यूज कर सकते हैं और आपको बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि ChatGPT हो गया हमारा और AI Gemini हो गया आपका गूगल का AI टूल है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका इंटरनल एक्सप्लोरर का हो गया, यहाँ पर कोपायलट हो गया, Bing.AI, तो ये भी एक AI टूल है, ठीक है, ये वाला दिया हुआ। तो आप कहीं से भी कोई भी टूल्स यूज कर सकते हैं, प्लस का ये चौथा वाला आपका है कृत्रिम, ठीक है। तो ये Kruthrim.AI को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ Gemini को, ठीक है, ये Gemini.AI दिया हुआ। अब मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट दूंगा, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे दिया है क्रिएट ए मैजिक स्टोरी विद इन 500 वर्ड्स, ठीक है। आपको छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है, जिस तरीके का बनाना है आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक स्टोरी लिख के दे दिया है। अब मैं इसको लिख देता हूँ कि मुझे चाहिए हिंदी में, तो मैंने हिंदी लिख दिया है इन हिंदी और इसको मैं सेंड कर देता हूँ। अब ये भी जो स्टोरी दिया हुआ है उसको ये हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी यहाँ से लिख के दे देगा। तो ये हम यहाँ से स्क्रिप्ट ले सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया आपको Gemini से, इस तरीके से आप यहाँ पर ChatGPT से, कृत्रिम से और यहाँ पर Bing.AI, ये सारे के सारे आपके AI टूल्स हैं, इन सभी को आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो स्क्रिप्ट है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये जो स्क्रिप्ट लिख दिया है इन्होंने हिंदी में, अब हम लोग नीचे जाएंगे, इसको हम स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और नोट पैड में या वर्ड फाइल में आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो तो आ चुकी है। अगर आपको ये वाली स्क्रिप्ट है अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको फिर से कर सकते हैं, ठीक है। रीजनरेट का ऑप्शन यहाँ पर दे दीजिएगा, तो ये रीजनरेट करके दे देगा दूसरी स्टोरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर आ चुकी है स्टोरी। अब हमको क्या है कि हमारा स्टोरी टू ऑडियो कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों मेरा आपका रिकमेंडेशन रहेगा कि जो भी ये स्टोरी है उसको खुद का वॉइस रिकॉर्ड करके आप यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। खुद की आवाज में रिकॉर्ड कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि जब आपकी चैनल ग्रो करने लग जाएगी तो लोग बाग आपकी जो आवाज है उसको पहचानने लग जाएंगे, लोगों को आपकी आवाज अच्छी लगने लग जाएगी और आपके वीडियो में व्यूज भी ज्यादा आएंगे, ठीक है। और अगर आप फिर भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर यूज करना है AI टूल्स का। तो हमको टेक्स्ट टू स्पीच AI टूल्स का यूज करना है, जैसे कि मैं हमेशा की तरह यहाँ पर बताता हूँ 11labs का। लेकिन यहाँ पर 11labs में क्या है कि शुरुआत में आपको 10,000 वर्ड्स तक आपको फ्री में मिलते हैं, देन आफ्टर यहाँ पर पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो अगर आप रियलिस्टिक एकदम बेहतरीन आवाज बनाना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 11labs का इसका जो सब्सक्रिप्शन है या पेड प्लान है उसको ले सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपको केवल और केवल $1 में आपको एक महीने के लिए यानी कि 30,000 आपको वर्ड्स तक मिल जाएगा आप यहाँ पर जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही कम प्राइस है, ये आपको मिल जाएगा। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अल्टरनेटिव भी मैं बता देता हूँ, ये दिया हुआ फ्री TTS मेकर, ठीक है। तो ये भी दिया हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्री में आप यहाँ पर बना सकते हैं 2,000 कैरेक्टर तक यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे हिंदी करना है तो मैंने यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट मिल जाएंगे, तो सभी आवाज़ सुन लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पर कैप्चर दिया हुआ है तो उसको देख के यहाँ पर कैप्चर कोड यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। और आवाज़ को अगर आप कम ज़्यादा या कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोड सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा। तो आपकी जो सेटिंग है, जैसे कि यहाँ पर आपकी बहुत सारी सेटिंग खुल के आ जाएगी, तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर कन्वर्ट टू स्पीच पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस आवाज़ को कन्वर्ट कर लिया, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं करता हूँ, एक छोटी सी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने ये दिया हुआ है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आप फ्री में यहाँ पर जैसे कि 5,000 कैरेक्टर तक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ कन्वर्ट टू स्पीच। एक दुबली पतली गली की लड़की जिसकी आंखें शाम के झमझमाते आसमान जैसी थी,
सो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो स्क्रिप्ट है ऑडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको दो AI टूल बता दिया है जिससे कि आप यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला इलेवन लैब्स, दूसरा TTS मेकर। ठीक है, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब तीसरा बात आती है दोस्तों कि अब हमारे पास ऑडियो है। अब ऑडियो के बाद हमको क्या करना है कि कॉपीराइट फ्री वीडियोज चाहिए, कार्टून वीडियोज चाहिए, जैसे कि हमारे स्पीच में बोला गया है उसी हिसाब से हमको चाहिए कार्टून वीडियो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर खुद का वीडियो जनरेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए भी एक AI टूल्स का यूज करेंगे। उस AI टूल्स का नाम है आपका Hyper.ai। आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर दिया हुआ है क्रिएट वीडियो विथ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट से सीधा वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग Leonardo.ai पर जाते थे और यहाँ पर टेक्स्ट से इमेज जनरेट करते थे, फिर इमेज से वीडियो जनरेट करते थे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर आप केवल टेक्स्ट से ही वीडियो जनरेट कर पाएंगे। कैसे, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, अब आप प्रॉम्प्ट कैसे देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमारी जो स्क्रिप्ट है ये वाली स्क्रिप्ट है, अब मैंने यहाँ पर एक दूसरी स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट को हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग ऐसे इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर जाएंगे ChatGPT में। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे दिया है कि काइंडली राइट बिलो पैराग्राफ इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो भी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी इसको मैंने यहाँ पर लिखा काइंडली राइट बिलो पैराग्राफ इन इंग्लिश, और ये पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ChatGPT ने इसको पूरा का पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद जहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसी के नीचे हम इसको इंग्लिश में लिख लेंगे। अब दोस्तों हमको क्या करना है, ये हम लोगों ने क्यों लिखा हुआ है, ताकि हम लोग प्रॉम्प्ट दे सकें। अब जैसे कि ये दिया हुआ है, मीरा ए रेजिडेंस ऑफ स्मॉल विलेज अपीयर्स ऑर्डिनरी बट सी ब्लेस्ड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। ठीक है, तो हम इतना कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो Hyper.ai है यहाँ पर हम लोग अपना कमांड दे देंगे और यहाँ पर क्रिएट पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमको थोड़ा सा वेट करना है और ये जनरेट करके दे देगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो प्रॉम्प्ट दिया हुआ था उससे उसने ये वाला जो वीडियो है काफी अच्छा वीडियो बना दिया है। लेकिन ये वीडियो एकदम रियलिस्टिक वीडियो लग रहा है, ये एक कार्टून वीडियो नहीं लग रहा है। तो हमको क्या करना है कि हमको जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिया हुआ था, प्रॉम्प्ट के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है 3D कार्टून HD क्वालिटी। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3D कार्टून वीडियो लिख सकते हैं और HD क्वालिटी आपको ये और लिख देना है, जिससे कि क्या होगा कि ये अब कार्टून वाला वीडियो बना के देगा। जैसे कि हम लोगों ने देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ था। अब मैं यहाँ पर क्रिएट पर मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ। अब आपको थोड़ा सा फिर से वेट करना है और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमारा ये वाला वीडियो क्रिएट करके दिया हुआ था टेक्स्ट से, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमें ये वाला वीडियो है वो क्रिएट करके दे दिया है। देख सकते हैं कि काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि ये जो है काफी अच्छे मूव कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि हम लोग यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे कि मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया है, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको YouTube वीडियो के लिए चाहिए, इसलिए हम लोग 16:9 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लस का ड्यूरेशन कितना चाहिए हम यहाँ पर 4 सेकंड सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। आपको ये सेटिंग यहाँ पर कर लेनी है, 16:9 और यहाँ पर 4 सेकंड, जैसे कि ये जो वीडियो है वो 4 सेकंड का जनरेट हो। ठीक है, और प्रत्येक जो आपका स्क्रिप्ट रहेगा, जो आपका प्रॉम्प्ट रहेगा, उसमें आपको बाद में क्या लिख देना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था 3D कार्टून वीडियो। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ जाएगा कि मुझे कार्टून वीडियो बनाना है और ये कार्टून वीडियो बना के दे देगा। जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये इस तरीके के ये कार्टून वीडियो जनरेट किए हुए थे। ठीक है, ये कितना BIP कितना अच्छा और कितना HD क्वालिटी में दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि आप यह देख सकते हैं कि ये वाला वीडियो मैंने क्रिएट किया हुआ था। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो क्रिएट करके रख लिए हैं। ठीक है, जो भी मेरी स्क्रिप्ट थी स्क्रिप्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट को यहाँ पर एक एक लाइन करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आपको यहाँ पर आके मैंने यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ के सारे जो वीडियोज़ हैं वो मैंने जनरेट कर लिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पुट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर Hyper.ai से आप यहाँ पर टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फ्री है, लेकिन यहाँ पर फ्री वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको एक वीडियो जनरेट करने में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लग सकता है। ठीक है, तो आपको वेट करना होगा और आपका बन जाएगा। बनने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सिंपली क्लिक कर दीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमको क्या करना है कि यहाँ पर चलना है कैनवा पर, क्योंकि हमको वीडियो एडिटिंग करनी है। तो कैनवा पर जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट ए डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग वीडियो पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग क्रिएट करने वाले हैं यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो, तो हम लोगों का जो एक्सपेक्ट रेशियो ये वाला होना चाहिए। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी इमेज है तो हम अपलोड पर क्लिक करेंगे और अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि अपलोड फाइल्स पर मैं गया और यहाँ पर जैसे कि ये जो वीडियोस हैं इन सारे के सारे वीडियोस को मैं यहाँ पर अपलोड कर लूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और ये दिया हुआ है ये जो वीडियोस हैं, इन सारे के सारे जो वीडियोस हैं मेरे यहाँ पर
मैं सभी को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे वीडियोज यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी ऑडियो भी यहाँ पर अपलोड कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा अपलोड फाइल्स पर और यहाँ पर मैं जाऊँगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने जो TTS मेकर से यहाँ पर ऑडियो को बनाया हुआ, उस पर मैं क्लिक करके इसको ऑडियो भी ले लूंगा, ठीक है। अब दोस्तों हमको क्या करना है कि सिंपल सा यहाँ पर जो हमारे फाइल्स हैं, यहाँ पर मैं इमेज पर जाऊंगा या वीडियोस पर जाऊंगा, जो भी वीडियोस हैं हमको एक एक करके स्क्रिप्ट के हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से ले लेने हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ और ये सारा का सारा है वो मैं इस तरीके से यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। जो भी, लेकिन ये सब लगाना है आपको किस तरीके से, अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से, जो भी आपका स्क्रिप्ट बोल रहा है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। आप इस तरीके से लगा लेंगे और आपका जो ऑडियो होगा, ऑडियो पर क्लिक कीजिएगा, तो ये ऑडियो है, ऑडियो को भी यहाँ पर आपको इस तरीके से ले लेना है, ठीक है। और ऑडियो लेने के बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि ऑडियो को सुनते जाइएगा, और सुनने के बाद आप सुनते सुनते आप अपनी जो क्लिप्स हैं इनको यहाँ पर छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि छोटा करना है आपको, बड़ा करना है, तो इस तरीके से यहाँ पर अपनी जो क्लिप्स हैं उनको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस क्लिप को छोटा करना है, फिर इसको आपको यहाँ पर छोटा करना है या थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इस ऑडियो को सुनते सुनते, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो के बीच में आप कोई एनिमेशन लगाना चाहते हैं, ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन लगा सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि वो ट्रांजिशन सभी क्लिप्स में लग जाए तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है वो ट्रांजिशन, और नीचे दिया हुआ अप्लाई बिटवीन ऑल पेजेस, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये आपका सभी में ये ट्रांजिशन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो दोस्तों यहाँ पर अपना बैकग्राउंड म्यूजिक सेम आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक मैं ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ था, ये दिया हुआ, इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। बैकग्राउंड म्यूजिक का जो वॉइस है उसको स्लो करना चाहते हैं, उस पर मैं क्लिक करूँगा राइट क्लिक और वॉल्यूम पर क्लिक करूँगा, ये दिया हुआ 100 दिया हुआ है, अब मैं इसको कर देता हूँ 20%, ठीक है। तो अब ये क्या स्लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो मैंने वॉइस है उसके स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो बना लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैंने आपको बता दिया है, अब मैं इस आवाज़ को सुनते हुए ये अपनी जो क्लिप्स हैं उनको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो पूरा वीडियो है उसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको देख सकते हैं कि मैंने पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पर बना लिया है। अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अपना जो कार्टून वीडियो है वो आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं आवाज़ को म्यूट कर देता हूँ यहाँ पर, या फिर आप सुन सकते हैं, ठीक है। दिवाली मीरा साधारण सी दिखती थी लेकिन, ठीक है। अब इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये जो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद में आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर कंप्लीट 2D और 3D एनिमेशन वीडियो, कार्टून वीडियो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। दिवाली मीरा साधारण सी दिखती थी लेकिन उसके पास एक अदृश्य प्रतिभा थी, वे जानवरों से बात कर सकती थी। एक दिन जंगल से बेचैनी की फुसफुसाहटें आने लगी। मीरा ने पास जाकर सुना, पेड़ों के राजा विशाल बरगद ने बताया कि जीवनदायिनी नदी सूख रही है, उसकी रक्षक जलपरी गायब हो गई है। दयालु मीरा मदद के लिए निकल पड़ी। रास्ते में एक चंचल गिलहरी ने बताया कि एक अंधेरी गुफा में एक चुड़ैल रहती है जो जादू टोना करती है। मीरा गुफा तक पहुँची और चुड़ैल से पूछा। चुड़ैल ने बताया कि जलपरी को उसने ही बंदी बना रखा है क्योंकि परी का मोती उसकी शक्ति का स्रोत था। मीरा ने चालाकी से चुड़ैल को बातों में उलझाया और चुपके से जलपरी को रिहा कर दिया। जलपरी ने अपना मोती मीरा को थमा दिया और कहा, इस मोती को नदी में डालो, नदी फिर से बह निकलेगी। मीरा ने वैसा ही किया और नदी जीवनदायिनी जल से भर उठी। जंगल हर्ष से गूंज उठा। मीरा जानवरों की कृतज्ञता से भरकर अपने गांव लौट आई।